नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। कल भागलपुर में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं सम्राट चौधरी, उनका एक बयान सामने आया है। कल हमने देखा किस प्रकार से एक पत्रकार को भी जो है पीटा जा रहा था कल, और उसके बाद से जो वो रोहित नाम के एक जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर सम्राट चौधरी जो है वो साफ साफ बोलते हुए नजर आए कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर जो बिहार सरकार की प्रशासन है वो हथकंडा अपनाए हुए है कि भाई कोई भी अगर प्रदर्शन करता है तो उसको लाठी चार्ज कर देना है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिहार में पूरी तरह लोकतंत्र समाप्त हो गया। नीतीश कुमार की सरकार लगातार अपराधी के तरह, गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व वहां के प्रत्याशी रोहित पांडे जो भागलपुर में शांतिपूर्वक धरना दे रहे, उनको जिस तरह उठाकर पीटने का काम किया गया, लाठी चलाने का काम किया गया, मीडिया के साथी वहां उपस्थित थे उनको भी पीटने का काम किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को शर्मसार करा रहे नीतीश कुमार जी। लगातार जिस तरह बिहार में घटना घट रही है, नीतीश कुमार जी को नैतिकता यदि शर्म लगता हो तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। इसमें दिक्कत कहाँ है? पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम तीसरी बार लोकसभा में जीत कर आएंगे और भारत की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस तरह अहंकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार, क्योंकि नीतीश कुमार जी अहंकारी हो गए इसलिए उनके अहंकार से सभी लोग, उनके पार्टी के नेता लोग भी अहंकारी हो गए। लोकतंत्र है, पूरा दुनिया देख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं और किस तरह का बोली बोल रहे हैं। ये पूरी तरह हिंदुस्तान ने देखा कि लोकसभा जो सबसे बड़ा संसद भवन है हमारा, जो लोकतंत्र का मंदिर है, किस तरह एक सीनियर मेंबर के साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बर्ताव किया, ये पूरी तरह जग जाहिर है। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था का पूरी तरह हम विरोध करते हैं। तो भी आपने सुना किस प्रकार से सम्राट चौधरी जो कल भागलपुर में घटना हुई उसको लेकर कह रहे थे, और उसके बाद से उन्होंने ललन सिंह पर भी जो है वार किया है, और वो साफ साफ तौर पे कल किस प्रकार से ललन सिंह जो है वो अमित शाह को लेकर बोल रहे थे, और दिल्ली का जो बिल है उसको लेकर जब ललन सिंह भाषण दे रहे थे संसद में, तो उस वक्त वो जिस अंदाज में थे उस अंदाज को वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।